प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य में आज हम काव्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पीछे की कक्षा में हमने काव्य रीति के बारे में अध्ययन किया था। ये यूनिट 5 चल रही है अपनी, तो आज हम काव्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रस। रस शब्द का क्या अर्थ है? जब भी हम जैसे कोई मीठा फल खाते हैं, जैसे हमने आम खाया, तो हम कहते हैं कि वाह क्या रस था इसका, क्या स्वाद था, आनंद आ गया। तो रस का सामान्यतः अर्थ है आनंद। कोई भी फल खाने पर हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसे हम रस कह सकते हैं। इसी प्रकार जब हम साहित्यिक भाषा लेते हैं, तो साहित्यिक रूप से रस का आशय है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक में अभिनय देखने से जो पाठक, श्रोता और दर्शक को आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। कि जैसे आम खाने से आनंद प्राप्त होता है, उसे हमने रस कहा। इसी प्रकार काव्य को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति हुई, या कोई नाटक देखने से भी हमें आनंद प्राप्त हुआ, या हम कहीं काव्य को सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, तो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है कि वाह कितनी अच्छी कविता है, सुनते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हमें रस की अनुभूति हुई। तो हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक में अभिनय देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी, वो कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत आनंद आया, तो हम कहते हैं कि हमें रस की अनुभूति हुई है। अब परीक्षा में प्रश्न आने पर हम रस को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर जब सहृदय व्यक्ति के मन में संस्कार रूप से विद्यमान स्थायी भाव उद्भूत होता है, तो वह आनंदमयी दशा को अर्थात रस दशा को प्राप्त होता है। अब ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है? ये रस के अवयव है। इनका हम थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे। तो इसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि सहृदय व्यक्ति के हृदय में संस्कार रूप से स्थित, मतलब ये जो रति, क्रोध, भय, विस्मय, ये भाव अपने हृदय में स्थित होते हैं। क्रोध भी होता है, भय भी होता है, आश्चर्य भी होता है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में होते हैं। और जब कोई अनुकूल कारण उत्पन्न होता है, तो ये जागृत हो जाते हैं। उस समय हम रस दशा को प्राप्त होते हैं। स्थायी भाव जब काव्य के पठन, स्वर्ण और नाटक के दर्शन से उद्भूत होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से परिपक्व होकर आस्वादन रूप में परिणित होता है, तब उसे पारिभाषिक शब्दावली में रस कहा जाता है। जैसे आम के वृक्ष में कच्ची केरी लगी होती है, जिसे अमिया कहा जाता है। ये परिपक्व होने पर, पकने पर रसाल आम कही जाती है। वैसे ही स्थायी भाव अपने हृदय में स्थित होते हैं, जो परिपक्व होने पर रस कहलाता है। अब आता है रस के अवयव यानी रस के भाग। तो रस के चार अवयव है। रस के कितने अवयव हैं? चार। सबसे पहला है स्थायी भाव, जिसको भाव भी कह देते हैं।
दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। रस के चार अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनका एक एक करके हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने काव्य रस का अर्थ समझा। रस का अर्थ है आनंद। काव्य को सुनने, पढ़ने और नाटक में अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य रस कहते हैं। और रस के चार अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आता है भाव। भाव किसे कहते हैं? मन के विकार अथवा चित्त वृत्तियों को भाव कहते हैं। मन का जो भी विकार है उसे भाव कहते हैं। जैसे हम शांत अवस्था में हैं, हमारे पास आसपास कोई ऐसा कारण उत्पन्न होता है कि हमें क्रोध आ जाता है, तो वो दशा भाव उत्पन्न होने की दशा है। हम इसको समुद्र के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कोई शांत निस्तरंग समुद्र है, जब वायु का झोंका आता है, वायु से उस पानी का संघर्ष होता है तो उसमें लहरें उठती है। उसी प्रकार हमारे आसपास की जो स्थितियां हैं उनके प्रभाव से शांत हृदय में वासना रूप से, अर्थात जो भाव हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है लेकिन सुप्त अवस्था में है, वो उचित कारण पाकर उत्पन्न होते हैं। जैसे क्रोध, विस्मय, भय आदि वृत्तियां जागती है अर्थात प्रकट होती है, ये भाव कहलाते हैं। हालांकि मनुष्य के हृदय की वृत्तियां अनगिनत है, परंतु जिनका अभी तक काव्य शास्त्र में विवेचन और नामकरण हुआ है वो मुख्य रूप से 43 है, जिनमें से 10 चित्तवृत्तियां या भाव अन्य भावों की तुलना में अधिक स्थायी रहते हैं, जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, और शेष 33 हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनका अब हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे। बस आपको भाव शब्द के अर्थ में इतना ही याद रखना है कि मन के विकार को भाव कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम भाव कहते हैं। अब आगे आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो स्थायी हो, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण पाकर उद्भुत होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और कहीं कहीं इनको 10 भी मानते हैं, तो हम 10 मानकर इनका अध्ययन करेंगे कि स्थायी भावों की संख्या 10 है। ये हैं रति, शोक, हास, भय, घृणा, क्रोध, उत्साह, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। और ये सारे स्थायी भाव हमारे हृदय में शांत अवस्था में होते हैं और अनुकूल कारण पाकर ये उद्भुत होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी में गंध व्याप्त होती है, मिट्टी में गंध व्याप्त होती है और जल के छींटे देने पर वो उसमें से प्रकट होती है, इसी प्रकार ये भाव भी हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में होते हैं और अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होते हैं। अब हम एक एक करके इन स्थायी भावों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है रति नामक स्थायी भाव। रति किसी स्त्री और पुरुष के हृदय में मिलन इच्छा स्वरूप जो पारस्परिक प्रेम भाव जागता है उसे रति स्थायी भाव कहा जाता है और इससे उत्पन्न रस को श्रृंगार रस कहा जाता है। बार बार
आता है कि बिहारी जी के श्रृंगार के दोहे। तो श्रृंगार यहाँ पर श्रृंगार रस है वो रति नामक स्थाई भाव उत्पन्न होने पर प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार का होता है श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा नहीं होते वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और वियोग श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा है हास। हास भी स्थाई भाव है जिससे हास्य रस उत्पन्न होता है। किसी विकृत प्राणी की वेशभूषा, वाणी या उसका कार्य या चेष्टा को देखकर जो देखने वाले के हृदय में हंसी उत्पन्न होती है उसे हास कहा जाता है, और उससे उत्पन्न रस है हास्य रस। कौन सा रस उत्पन्न होता है? हास्य रस। जैसे कि एक बार नारद जी स्वयंवर में गए, वहाँ पर उनका हास्य किस प्रकार बनता है कि उनकी शक्ल है वो विष्णु भगवान के द्वारा बंदर जैसी बना दी जाती है, लेकिन नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उनकी शक्ल कैसी है, और वो बार बार फूले नहीं समा रहे कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, लेकिन बाकी जन उनको देख देख कर हंस रहे हैं कि जे ही दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी ते ही न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उक्स ही अकुलाई, देखी दशा हर गण मुस्काई। तो बाकी लोग उनको देख कर मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी सोच रहे हैं कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, तो ये हास्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर हास नामक स्थाई भाव है और हास्य रस है। तीसरा है शोक। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या किसी अनिष्ट के आने पर चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं, और इससे उत्पन्न रस है करुण रस। जैसे कामायनी में जो देवता थे वो सब पानी में डूबकर खत्म हो जाते हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि प्रकृति रही दुर्जे, पराजित हम सब थे भूले मद में, बोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, वे सब डूबे डूबा उनका विभव, बन गया पारावार उमड़ रहा है देव सुखों पर, दुख जल्दी का नाद अपार। तो यहाँ पर वो सब डूब गए, उनके डूबने के बाद करुण रस की ये स्थिति है। चौथा है उत्साह नामक स्थाई भाव। उत्साह नामक स्थाई भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। युद्ध आदि में शौर्य प्रदर्शित करने की हर्षपूर्ण उमंग को उत्साह कहते हैं, और इससे उत्पन्न रस वीर रस होता है। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रवास मुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। इसी प्रकार दूसरी कविता है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो ये कविता सुनकर मन में उत्साह उत्पन्न होता है, और इससे उत्पन्न रस है ये वीर रस है। वीर चार प्रकार के हैं साहित्य में, युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर और धर्म वीर। अब युद्ध वीर की लड़ाई को देखकर बाजा या चारणों के वीर गीत सुनकर शत्रु को सामने पाकर लड़ने का उत्साह है ये युद्ध वीर का गुण। दया वीर किसी दीनहीन शोक में
डूबे हुए प्राणी को देखकर दया उत्पन्न होती है और उसका कष्ट दूर करने का जो उत्साह होता है वो दयावीर का गुण है। दानवीर, याचकों को देखकर दान देने का उत्साह दानवीर। आगे आता है धर्मवीर, प्राण देकर भी धर्म पालन करने का उत्साह धर्मवीर। आगे आता है क्रोध, क्रोध नामक स्थायी भाव। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं और क्रोध से उत्पन्न रस है रुद्र रस। क्रोध से कौन सा उत्पन्न है? रुद्र रस। जैसे अंदर था बढ़ रहा, प्रजा दल था झुंझला था, रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता, किंतु क्रूर मनु वारण करते उन बाणों को, बड़े कुचलते हुए खड़क से जन प्राणों को। आगे आता है भय, जिस स्थिति को देख कर हमें डर उत्पन्न हो, जैसे हिंसक जीव आ गए, शेर आ गया, या किसी बलवान के साथ युद्ध करना है, या कोई अपराध की स्थिति आ गई, तो जो मन की विकलता या उद्वेग है उस समय का, उसे भय कहते हैं। और भय से उत्पन्न रस होता है भयानक रस। जैसे प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना, आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कांपना। तो ये भयानक रस की स्थिति है। आगे आता है जुगुप्सा या घृणा। जब कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें उस स्थिति को देखकर छी छी की दशा उत्पन्न होती है, नाक भों सिकुड़नों जैसी दशा उत्पन्न होती है, तो वहाँ घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के दोषों के कारण घृणा आदि से उत्पन्न मन आदि इंद्रियों के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं। जैसे रक्त, मांस, दुर्गंध आदि वस्तुओं से जुगुप्सा भाव उत्पन्न होता है और जुगुप्सा भाव से उत्पन्न रस होता है विभत्स रस। जैसे रिपु आंतन की कुंडलिन करी, जोगनी चबावत, पीबही में पागी मानो, जुवती जलेबी खात। इसका एक उदाहरण और था जो मेरे ध्यान में आ रहा है। चलो बाद में देखेंगे। आगे है विस्मय, अलौकिक या अपूर्व वस्तु को देखने यानी अचंभित होने वाली वस्तु को देखने, सुनने या उसका स्मरण याद आने से उत्पन्न मनोविकार को विस्मय या आश्चर्य कहते हैं और विस्मय से उत्पन्न रस है अद्भुत रस। यानी अचंभे वाली दशा को हम अद्भुत रस कहते हैं। आगे आता है सम या निर्वेद, शांत रस का विषय निर्वेद या वैराग्य होता है। तत्व ज्ञान से सांसारिक विषयों से जो विराग बुद्धि उत्पन्न होती है उसे सम या निर्वेद कहते हैं। संसार की अनित्यता, दुखमयता आदि देखकर सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य जागृत होता है। तो यह सम स्थायी भाव होता है और इससे उत्पन्न रस होता है शांत रस। अब आता है वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव, और इसे उत्पन्न रस को कहते हैं वत्सल रस। पुत्र पुत्री, शिष्य आदि के प्रति माता पिता का जो प्रेम या स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य रस के बहुत सारे जो काव्य है उसकी रचना की है।
की किलकत काने गुटुरनी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। की काना है वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए नंद के आंगन में आ रहे हैं, और जब उनको खुद की परछाई आंगन में दिखती है तो उस बिंब को, उस परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ यशोदा के मन में कान्हा को देखकर वत्सल रस उत्पन्न होता है। उस समय उनके हृदय का जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य भाव है। तो ये हो गए अपने 10 स्थायी भाव और इनसे उत्पन्न स्थायी रस। तो आप आज ये रस और स्थायी भाव और इनसे उत्पन्न रस की एक सारणी तैयार करेंगे। कल हम विभाव और अनुभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।